वेलकम फ्रेंड्स, स्मार्ट ऑफिस टेम्पलेट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो रिजेक्शन एनालिसिस के लिए, जो पीपीएम एनालिसिस के लिए रिजेक्शन का परसेंटेज का एनालिसिस करने के लिए जो एक्सेल टेम्पलेट मैंने अर्लियर शेयर की है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी है। इस एक्सेल टेम्पलेट के मैंने फीचर्स उस वीडियो में शेयर किए हैं। अब वो एक्सेल टेम्पलेट कैसा यूज़ करना है, कैसे आप अगर वो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक प्रोवाइड किया है डाउनलोड करने के लिए, वो डाउनलोड करने के बाद वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में यह एक्सेल टेम्पलेट कैसे इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं, इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो एक्सेल टेम्पलेट के जो भी फीचर्स आपको जानने हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फीचर्स जिस वीडियो में एक्सप्लेन किए वो वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। तो आपने एक्सेल टेम्पलेट डाउनलोड करने के बाद आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है, हम अभी स्टार्ट करते हैं। एक्सेल टेम्पलेट डाउनलोड करने के बाद आपको ये डेली रिजेक्शन एनालिसिस शीट में आना है। डेली रिजेक्शन एनालिसिस शीट में जो येलो कलर्स के फील्ड है उसमें जो डेटा, सैंपल डेटा मैंने जो फिलअप किया है उसको आपको डिलीट कर देना है, ब्लैंक कर देनी है शीट पूरी। तो ब्लैंक करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ येलो कलर का जो फील्ड है उसको सिलेक्ट करना है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन नीचे तक आते हैं हमेशा, तो डिलीट बटन दबाना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ येलो कलर का फील्ड में का ही जो डेटा है वही आपको डिलीट मारना है, बाकी का डेटा डिलीट, बाकी कलर के जो सेल है उसे डिलीट नहीं मारना है क्योंकि उसमें फार्मूलाज मेंशन है, फार्मूलाज कंटेंट है। ठीक है, सिर्फ आपको ये तीन और ये दो पांच कॉलम का डेटा डिलीट करना है तो शीट पूरी ब्लैंक हो जाती है। तो सिंपली आपको इतना ही करना है। तो देखिए, यह डैशबोर्ड ब्लैंक हो चुका है, तभी आपका डेटा यहाँ फिलअप कर सकते हो। तो आपको यहाँ क्या करना है, आपकी जो डेट रहेगी या डेट एंटर करना है, आपको जो प्रोडक्ट रहेगा उसका प्रोडक्ट का नेम या नंबर आपको यहाँ मेंशन करना है, या आपने कितने क्वांटिटी इंस्पेक्शन किया आपको यहाँ मेंशन करनी है, रिजेक्शन क्वांटिटी मेंशन करनी है, डिफेक्ट क्या है और डिफेक्ट मेंशन करना है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ टोटल क्वांटिटी कितनी आपने इंस्पेक्शन की हो, या शो होता है ऑटोमेटिकली, रिजेक्शन परसेंटेज शो होगा, पीपीएम भी शो होगा, यील्ड का परसेंटेज, ओके क्वांटिटी का परसेंटेज भी आपको यहाँ शो होगा। इसके लेफ्ट साइड में ऑटोमेटिकली कौन सा ईयर का डेटा आप फिल करो या शो हो जाएगा, मंथ भी आपको यहाँ शो हो जाएगा। तो आपको ऐसे आपको पूरा आपका डेटा या अपडेट करना है, डेली आपको डेटा अपडेट करना है। अभी मैं मेरा बाकी का सैंपल डेटा यहाँ फिलअप करता हूँ। अभी मैंने यहाँ सैंपल डेटा पूरा फिलअप किया है। इस तरह से आपको डेली अपडेट करना है डेटा, आपको मिनिमम डेटा एंट्री करना है। आपको मिनिमम डेटा एंट्री करने के बाद मंथली रिजेक्शन एनालिसिस जैसा शो हो जाएगा। आपका वर्क बहुत ही इजी होने वाला है, ईयरली रिजेक्शन एनालिसिस भी आपको यहाँ शो हो जाएगा। आप जो भी रूट कॉज या एक्शन लेते हो आप यहाँ अपडेट कर सकते हो। मंथली भी आप रूट कॉज और एक्शन अपडेट कर सकते हो, ईयरली भी अपडेट कर सकते हो। इतना डेटा फिलअप करने के बाद आपका जो डैशबोर्ड रहेगा वो ऑटो अपडेट होने वाला है। आप यहाँ से ईयर सिलेक्ट कर सकते हो या ईयर 2021, तो 2021 सिलेक्ट करने के बाद, या फेब्रुअरी मंथ सिलेक्ट करने के बाद, या फेब्रुअरी मंथ के आपको डेट्स शो होगी। इस तरह से डायनेमिक पूरा डैशबोर्ड रहेगा, इस तरह से जनरेट होने वाला है। तो इस टेम्पलेट को डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।